भाजपा से कांग्रेस की दूरी, लेकिन पटना में लगे पोस्टर। राम मंदिर का क्रेडिट गांधी परिवार को। पोस्टर में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की भी तस्वीर। बिहार की राजनीति का एक और नया रंग। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बीजेपी पूरे देश भर में प्रचार कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने नेता मिलने के बाद भी सी दूरी बना ली है, लेकिन जमीन पर पार्टी कार्यकर्ता इस फैसले के बाद के नतीजे को भाप गए हैं। आलाकमान ने भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े नेता खुद को इससे दूर नहीं रख पा रहे हैं। इसी कड़ी में पटना से एक पोस्टर आया है। कांग्रेस नेता और विधानसभा प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ छत्री ने एक पोस्टर लगाया है। इसमें अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कांग्रेस को बधाई दी है। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि 22 जनवरी 2024 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हेतु कांग्रेस एवं गांधी परिवार को आभार और बधाई। पोस्टर में अयोध्या राम मंदिर और भगवान श्री राम की तस्वीर लगाई गई है, तो सबसे ऊपर राजीव गांधी और दूसरी साइड में पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर लगाई गई है। राजीव गांधी की तस्वीर के पास लिखा हुआ है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में राजीव गांधी की अहम भूमिका है। तो वही पोस्टर के नीचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। साथ ही कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर के सबसे नीचे लिखा गया है, राम मंदिर कांग्रेस के लिए आस्था और बीजेपी के लिए चुनावी। पोस्टर लगाने वाले सिद्धार्थ छत्री ने बताया कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी चुनावी राजनीति कर रही है। राजनीति की जगह तो दिल्ली है, लेकिन बीजेपी इसे अयोध्या ले जाना चाहती है और राम मंदिर का श्रेय लेना चाहती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।